लैब डालना आसान काम होता है, लेकिन उसको चलाना बहुत कठिन काम होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताएंगे आप कैसे अपने लैब को किस तरह चलाएंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे, और अपने मार्केट में किस तरह डॉक्टर्स को हैंडल करेंगे और अपने पेशेंट को जो है किस तरह हैंडल किया जाता है। दोस्तों बहुत सारे लैब टेक्नीशियन ऐसे हैं जो नए नए हैं लेकिन उसको जानकारी नहीं होती है और अपना पैसा ही डाल लेते हैं, लेकिन डालने के बाद जो है उनका पूरा सेटअप जो है फंस जाता है और लैब नहीं चलता है तो वह घबरा जाते हैं। दोस्तों देखिए, लैब डालने से पहले अपने मार्केट में जाइए और डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर से जब मिलेंगे तो उससे मालूम चल जाएगा कि आपके डॉक्टर्स जो है कि आपको सिंबल देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले आप अपने मार्केट में किसी लैब में जाइए और पता करिए कि कितने सिंपल ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक ना। उससे मालूम चल जाता है कि आप इस लैब में ग्रोथ कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपके लैब में पूरा सेटअप है लेकिन सीवीसी मशीन नहीं है तो दोस्तों बिल्कुल आप सबसे पीछे हैं। तो आगे बढ़ना है तो आपको हेमेटोलॉजी मशीन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हेमेटोलॉजी मशीन लेना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा, 6 महीने तक अगल बगल में सीवीसी कराना पड़ेगा ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। जब आपको 6 महीना समय दे रहे हैं लैब में तो आपको अनुभव हो जाता है तो आप हेमेटोलॉजी मशीन कोई भी ले सकते हैं। अगर आप हमसे एडवाइस लेंगे तो हम कहेंगे आप EVI 360 ले लीजिए, यह ब्रांडेड है, बढ़िया है, इससे जो है कि लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो सस्ती होती हैं और उसका केमिकल भी सस्ता होता है, यानी कि उसका एक सीवीसी का चार्ज मतलब जो सिंपलिंग होता है वो कम आता है, ठीक ना रेट। तो इसके चक्कर में जो है कि अपने लैब में मशीन खरीद कर फंसा देते हैं, तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों आप डायरेक्टली जो है कि थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी यह मशीन, EVI 360 लीजिए और अपने लैब में इंस्टॉलमेंट करिए। इसका केमिकल महंगा आता है लेकिन रिपोर्ट इतनी अच्छी आएगी कि आपको माइक्रोस्कोप ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो है कि बहुत सारी मशीनें ऑस्कर की और मिनर की मशीनें हैं जो लोग सेकेंड हैंड खरीदना चाहते हैं और नहीं खरीदना चाहते हैं। दोस्तों अपना अनुभव और बढ़ाना है, अगर आपके पास पैसा है तो उसी पैसे में आप EVI 360 ले लीजिए और आराम से जो है सुकून से अपना लैब चलाइए अपने मार्केट में। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक जांच में अगर कोई फॉल्ट आ गई तो डॉक्टर्स का जो भरोसा होता है वो टूट जाता है, फिर जुड़ता नहीं है, तो ऐसे माना जाता है। तो हम यही कहेंगे आप EVI 360 लीजिए, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री मशीन ले लीजिए, या पहले बायोकेमिस्ट्री मशीन ले लीजिए उसके बाद EVI 360 ले लीजिए 6 महीने बाद। ऐसा आप कर सकते हैं ताकि आपको टेस्ट लगाने में दिक्कत नहीं होगी और जो है कि पेशेंट को जो है कि समय से रिपोर्ट देने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इस मशीन की अब बताएंगे कि हम मशीन जब टेस्ट खरीदते हैं तो उसके साथ साथ क्या मिलता है, कितनी साल की वारंटी मिलती है और एक सिंपल में कितना खर्चा आता है, ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वीडियो को देखते हैं और स्किप कर देते हैं। तो हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पाते हैं और आप बहुत पीछे देखते हैं, तब तक सेकेंड हैंड की कोई मशीन आती है तो बिक जाती है। तो हम चाहते हैं कि आप हमेशा एक्टिव रहें और कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर बेल आइकन दबाए रखें ताकि आप नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए और अपना हमारा वीडियो जो है आप देख लें और आपको जो है मशीन सेकेंड हैंड की सस्ती में मिल जाए तुरंत, ठीक ना। क्योंकि हमारे पास सीवीसी मशीन है, सेकेंड हैंड की मशीन। अब अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए व्हाट्सअप में जाकर, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाकर या व्हाट्सअप जाइए और चैट करिए और हमारे यहाँ से मशीन को लेकर जाइए। एक मशीन है हेमेटोलॉजी मशीन है सीवीसी की, उस वो कंपनी है ऑस्कर की, 1,70,000 की मशीन है। वो 2 महीने की वारंटी भी मिलेगी, उसका भी साल भर नहीं हुआ है, मुश्किल से 300-200 सैंपल पिया है, उससे ज़्यादा नहीं पिया है। मान के चलिए मशीन नहीं है लेकिन आपको सस्ते मिल रही है। तो दोस्तों आइए आप बात करते हैं, जब EVI 360 लेंगे अपने इंजीनियर से, इसमें ये होता है जब मशीन लेंगे तो मशीन आपको देखिए इंजीनियर रेट बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, लेकिन अब इसके बारे में नहीं बताएंगे कि ये कितनी मशीन पड़ती है, क्योंकि कहीं 2.5 लाख की पड़ती है, कहीं 2 लाख की पड़ती है, कहीं 3 लाख की पड़ती है। तो स्टेट के ऊपर होता है, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये सब मतलब स्टेट के ऊपर होता है। तो हमें कहेंगे दोस्तों देखिए इस मशीन की क्वालिटी बता रहे हैं, रेट तो अपने ऊपर है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर है और अपने इंजीनियर के ऊपर है कितना लगा कर वह बेच रहा है। लेकिन देखिए सबसे पहले जब मशीन लेंगे तो मशीन को तो आपको जो है 2 साल की वारंटी मिलेगी, ताकि 2 साल के अंदर में अगर मशीन में कोई खराबी आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो इंजीनियर उसी पैसा में आकर बनाएगा, पैसा बिल्कुल भी नहीं।